हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला आई एम सोनो दोस्तों लव स्टोरी का रिव्यू मांग रहे थे आप लोग तेलुगु फिल्म है आहा पर अवेलेबल है स्टारिंग नागा चैतन्य एंड साई पल्लवी इन लीड रोल्स आई हैव जस्ट फिनिश्ड वाचिंग द फिल्म एंड लेट मी टेल यू राइट एट द वेरी आउटसेट इट इज द क्यूट केमिस्ट्री दैट यू गेट टू सी बिटवीन नागा चैतन्य एंड साई पल्लवी दैट विल कीप यू एप्सोल्यूटली हुक्ड एंड बुक्ड वाइल वॉचिंग दिस फिल्म उनका जो एक कंबाइंड क्यूट केमिस्ट्री ए क्यूट एडोरेबल इनसेंट केमिस्ट्री जो आपको देखने मिलेगा ना वही बांधे रखेगा यार नहीं तो इन दोनों को रिप्लेस कर लो नागा चैतन्य और साई पल्लवी को निकाल दो फिल्म से किसी और एक्टर्स को डाल दो यार फिल्म काम नहीं करेगा यार फिल्म मज़ा नहीं आएगा देखने में सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट हैज़ टू बी गिवन टू नागा चैतन्य एंड ऑल्सो साई पल्लवी ऑफकोर्स दिस टू लीड एक्टर्स फॉर मेकिंग दिस फिल्म वर्क टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड आई थिंक जिस तरह से दोनों ने नाचा है उसके लिए भी स्पेशल मेंशन देना पड़ेगा दोनों को स्पेशल क्रेडिट देना पड़ेगा दोनों को इनफैक्ट वो जो एक रेन डांस सीक्वेंस है उसमें साई पल्लवी का मूव्स यार व्हाट अ फैबुलस डांसर दिस लेडी इज यार शी इज़ वंडरफुल यार जब वो नाचती है इतना ग्रेस इतना क्लास है उनके मूव्स में यू you नो know, बहुत मजा आता है वो देखने के लिए वो रेन डांस को आप वापस रिवाइंड कर करके देखोगे और इट इज़ दैट ब्रिलियंटली कोरियोग्राफ दैट ब्रिलियंटली परफॉर्म्ड बाय नागा एंड कोर्स ऑल्सो बाय साई पल्लवी हु टेक्स द लीड इन द सॉन्ग एंड ऑल्सो शॉट वेरी वेल इट इज़ द बेस्ट मूवमेंट इन द एंटायर फिल्म अकॉर्डिंग टू मै एंड ईवन वन हैज टू रियली प्रेज नागा चैतन्य ऑल्सो बिकॉज साई पल्लवी इज एन एस्टैब्लिश डांसर वी नो दैट लेकिन नागा ने जिस तरह से उनके डांस को यू नो कॉम्प्लीमेंट किया है क्योंकि पीछे नाचता है उस रेन डांस में अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में नागा चैतन्य पीछे नाच रहा है एंड इट इज़ साई पल्लवी वू इज़ टेकिंग द लीड तो नागा ने भी मैच किया है साई पल्लवी को स्टेप बाई स्टेप एवरी मूवमेंट सो परफेक्टली परफॉर्म्ड दे आर इन एब्सोल्यूट सिंक Their डांस मूव सो सो नाइस टू वॉच एंड बाकी गानों में भी जब साई पल्लवी नाचती in इनफैक्ट इवन ला, लास्ट गाने में जो जिस तरह से नाचा है साई पल्लवी ने बहुत ही खूबसूरती से नाचा है तो इनका केमिस्ट्री और इनका डांस है सबसे ये दो बड़ा मेजर यूएस है ये फिल्म का लेकिन कहानी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों कहानी मुझे रन ऑफ द मिल काइंडस लगा नॉर्मल यूजल कहानी लगा ऐसा कोई नयापन नजर नहीं आया कहानी में वही कास्ट को लेके कैसे एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है इनके लव स्टोरी में दोनों प्यार में पड़ जाते हैं बट दे बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट ना का

ये, ये फिल्म का कहानी ऑब्वियसली वो जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा तो ओके okay लगा कहानी में ऐसा कुछ नयापन लाइक एसड नज़र नहीं आया एंड स्क्रीन प्ले भी ठीक ठाक ही था बट इट इज़ अगेन लेट मी रिहाइट्रेट द क्यूटनेस ऑफ देयर यू नो केमिस्ट्री एंड कोर्स द फैक्ट दैट वेन दे आर टुगेदर ऑन स्क्रीन साई पल्लवी एंड नागा चैतनी आपके मन में एक uh, ख्वाहिहश उठते कि यार दोनों का प्यार सक्सेसफुल होना चाहिए ये जो चीज़ आपके मन में आएगा ना दैट इज़ वॉट विल कीप यू हुक डेंड बुकड वाइल वॉचिंग दिस फिल्म एक जो चीज़ मैंने मिस किया वो है विलन जो है इस फिल्म में जो अंकल को विलन बनाया उनका वो विलनी को उतना प्रॉपरली डिटेल में एक्सप्लोर नहीं किया ऐसा एक फीलिंग आया मुझे और भी यू you नो know, एक इंटिमिडेटिंग विलन उनका विलनी को और भी सीन्स दिया जा सकता था ऐसा मुझे लगा तो और भी पावरफुल हो सकता था स्टोरी क्योंकि अगर आप देखोगे एक सायराट जैसा अगर एक फ़िल्म है जिसमें जो विलन है जो कास्ट बेस्ड विलन बाहर आता है उस फिल्म में उनको काफ़ी प्रोमिनेंस दिया काफ़ी सीन्स है और वो सीन्स देख के हमारे मन में व्यूअर के मन में आक्रोश पैदा होता है तो इसमें द विलन इज देयर बट नॉट देयर वैसा एक फीलिंग आया तो थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में उनके रोल को लिखा जाना चाहिए था विलन के रोल को ऐसा लगा लास्ट में क्लाइमैक्स ओके लगा मुझे एक थोड़ा ताली टाइप सीन्स बनाया है जिसमें नागा चैतन्य एक्शन करते नजर आएंगे बट नथिंग मेजर सो टू स्पीक तो एक इंटेंसिटी एक ग्रिप मिसिंग लगा क्लाइमैक्स में भी ये एक चीज़ मैं उनके लव स्टोरी के बारे में कहना चाहता हूँ थोड़ा एक आई थिंक इंटेंसिटी कुछ हद तक कम था बट ओके ठीक है वो केमिस्ट्री काफ़ी क्यूट लगा जिसकी वजह से चल जाता है ओवरऑल आई वुड से इट्स अ गुड फिल्म